डियर स्टूडेंट्स, ये कैलकुलस का ज्योमेट्रिकल पार्ट 3 मैं पढ़ाने जा रहा हूं। यह पार्ट डायनेमिक्स में काफी इसका एप्लीकेशन होता है, इसीलिए बड़े ढंग से आप इसको ठीक ठीक समझ ले। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में टेंजेंट्स नॉर्मल का डिस्क्रिप्शन है एक तरह से। देखिए, फिगर को ध्यान से देखिए। एक कर्व r इज इक्वल टू f थीटा लिया गया है और उस कर्व पर p एक पॉइंट है, pr थीटा। ये pr थीटा ये पॉइंट है और q जो है कर्व पर कंटिग्यूअस पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट r प्लस डेल्टा r थीटा प्लस डेल्टा थीटा है। q बिंदु p के काफी सन्निकट है, लेकिन काफी सन्निकट बनाने में फिगर स्पष्ट नहीं दिख सकता, इसलिए थोड़ा सा मार्जिन लेकर के p और q पॉइंट को दर्शाया जाता है। तो देखें, इसमें यदि q पॉइंट p की ओर टेंड करेगा तो कौन कौन सी टेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी। देखिए, यहां पर रेडियस वेक्टर और टेंजेंट, यहां pt टेंजेंट खींचा गया है और pq जो है कॉर्ड है, तो वह कॉर्ड जो है x एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है और टेंजेंट x एक्सिस से साई एंगल बना रहा है। यहां एंगल पी ओ क्यू डेल्टा थीटा है, ओपी की लंबाई आर है और ओ क्यू की लंबाई आर प्लस डेल्टा आर है। तो यदि क्यू बिंदु पी की ओर टेंड करेगा तो कौन कौन से टेंडेंसीज कैसे होंगे। देखिए, इफ Q tends to P, if Q tends to P, then the following tendencies will be found quite obvious quite obvious बिल्कुल स्पष्ट दिखेंगे। पहला टेंडेंसी ये है कि जब q पॉइंट p की ओर अग्रसर होगा तो देन डेल्टा थीटा ये टेंड करेगा जीरो की ओर, बिल्कुल क्लियर है। दूसरा पॉइंट जो है कि ये इंक्रीमेंट इन रेडियस वेक्टर दैट इज डेल्टा आर, ये डेल्टा आर भी जीरो की ओर टेंड करेगा, ये दूसरी टेंडेंसी हो गई। तीसरी टेंडेंसी क्या होगा कि जो अल्फा एंगल देख रहे हैं, अल्फा एंगल कॉर्ड पी क्यू और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल है, तो ये अल्फा टेंड करेगा फाई की ओर। और चौथी टेंडेंसी
आपको ये है चौथा, चौथा टेंडेंसी जो है वह एंगल बीटा। एंगल बीटा को देखें तो एंगल बीटा साई की ओर टेंड करेगा, बीटा टेंड्स टू साई। और एक टेंडेंसी और आप लिख सकते हैं कॉर्ड पी क्यू, कॉर्ड पी क्यू, कॉर्ड पी क्यू ये टेंड करेगा टेंजेंट पी टी की ओर, टेंजेंट पी टी ये टेंड करेगा। तो ये इतनी टेंडेंसी स्पष्ट होगी, जैसे जैसे क्यू पॉइंट पी के निकट आएगा तो सबसे पहले डेल्टा थीटा जीरो होने लगेगा, और डेल्टा आर जो आप देख रहे हैं वह डेल्टा आर जीरो की ओर टेंड करने लगेगा। अल्फा एंगल फाई की ओर टेंड करने लगेगा, बीटा एंगल साई की ओर टेंड करने लगेगा। तो इतने टेंडेंसीज होंगे। आप फिगर जो हम बनाए हैं एज इट इज, इसी तरह का फिगर विद्यार्थियों को बनाना चाहिए, एक बार फिगर अपने मस्तिष्क में सेटअप कर लेनी चाहिए। तो देखिए आगे क्या होता है, हमको यहां पर साइन फाई और कॉस फाई का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, देखिए फ्रॉम ट्रायंगल ओ एम क्यू हियर, हियर फ्रॉम ट्रायंगल ओ एम क्यू वी हैव, वी हैव OM का वैल्यू, हम MQ का वैल्यू निकालेंगे। तो MQ जो है OP के ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया है, तो यहां पर MQ का वैल्यू साइन डेल्टा थीटा का मान निकालिए, साइन डेल्टा थीटा, साइन डेल्टा थीटा। तो साइन डेल्टा थीटा का मान फिगर से हो जाएगा एम क्यू डिवाइडेड बाय ओ क्यू, एम क्यू डिवाइडेड बाय ये ओ क्यू, और एम क्यू का मान निकालना है तो देखिए एम क्यू डिवाइडेड बाय ये ओ क्यू का वैल्यू हो गया आर प्लस डेल्टा। तो यहां पर एम क्यू निकल जाएगा, दिस इंप्लाइज एम क्यू, एम क्यू इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा आर, आर प्लस डेल्टा आर और इंटू साइन डेल्टा थीटा, साइन डेल्टा थीटा हुआ। तो ये एम क्यू का वैल्यू हुआ। तो आप एम क्यू का लिमिटिंग वैल्यू निकालें तो देयर फोर आप इसको दो पार्ट में ब्रेक करके लिख दें। देखिए आर साइन डेल्टा थीटा, आर साइन डेल्टा थीटा और ये हो जाएगा डेल्टा आर
डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा, ये हुआ। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, आर साइन डेल्टा थीटा, आप ऐसे लिखे आर इंटू डेल्टा थीटा, आर इंटू साइन डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा प्लस, यहां लिखे डेल्टा आर इंटू डेल्टा थीटा और इंटू साइन डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा। अब लिमिटिंग वैल्यू एम क्यू कर लें, दिस इंप्लाइज लिमिट क्यू टेंस टू पी, लिमिट क्यू टेंस टू पी, एम क्यू का मान निकालना चाहते हैं। लिमिटिंग केस में एम क्यू का वैल्यू क्या होगा, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट, अभी आपको बताया कि जब क्यू पी की ओर टेंड करेगा तो डेल्टा थीटा जीरो की ओर टेंड करेगा, तो इक्विवेलेंट लिमिट आप लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो। ये आर पूरे आप लिख दे पूरे ब्रैकेट में, लिमिट आर डेल्टा थीटा, आर इंटू डेल्टा थीटा, आर इंटू साइन डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा। प्लस उसके बाद डेल्टा आर इंटू डेल्टा थीटा इंटू साइन डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा। तो आप इधर का लिमिट लेंगे तो साइन डेल्टा थीटा बटा डेल्टा थीटा वन हो जाएगा, तो यह लिमिट इतना के बराबर होगा। देखिए आर, अब डेल्टा थीटा की लिमिट हो गई डी थीटा, ये डी थीटा हो गई प्लस, और साइन डेल्टा थीटा बाय डेल्टा थीटा इसका लिमिटिंग वैल्यू वन हो गया प्लस इसका लिमिटिंग वैल्यू हो गया देखिए डी आर, ये डी आर आर इंटू डी थीटा आर इंटू वन इतना हो गया। तो यहां पर इसको इस क्वांटिटी को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि यह सेकेंड ऑर्डर का इनफाइनाइटेसिमल है, तो सेकेंड ऑर्डर का इनफाइनाइटेसिमल नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो वैल्यू हो जाएगा केवल आर डी थीटा, आर डी थीटा, और इसको हम जीरो कंसीडर कर लेंगे तो वैल्यू हो गया केवल आर डी थीटा। ये एम क्यू का लिमिटिंग वैल्यू हो गया। ठीक, अब आगे बढ़े, अब देखिए हम निकाल रहे हैं ओ पी पी एम का वैल्यू। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल
फ्रॉम ट्रायंगल ओ एम पी. नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ओ एम पी ये क्यू एम पी क्यू एम पी हम ओपी का लिमिटिंग वैल्यू देखे एम पी इसमें ट्रायंगल लिखने की जरूरत है भी नहीं है ट्रायंगल लिखने की जरूरत है. हाँ फ्रॉम ट्रायंगल क्यू एम पी कॉस डेल्टा थीटा का मान निकाले कॉस डेल्टा थीटा तो कॉस डेल्टा थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो कॉस डेल्टा थीटा का वैल्यू हो जाएगा ओ एम डिवाइडेड बाय ओ क्यू ओ एम डिवाइडेड बाय ओ क्यू और ओ एम का वैल्यू निकालना है और यहां ओ क्यू का वैल्यू हो गया आर प्लस डेल्टा आर. तो दिस इंप्लाई आप लिख सकते हैं ओ एम इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा आर इंटू कॉस डेल्टा थीटा अब यहां पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालिए कितनी हो गई. देयरफॉर आप लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट क्यू टेंस टू पी ओ एम इज इक्वल टू लिमिट यहां पर दोनों लिमिट लेंगे डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो और डेल्टा आर टेंस टू जीरो आर प्लस डेल्टा आर और इंटू कॉस डेल्टा थीटा. तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कॉस डेल्टा थीटा का वन हो गया डेल्टा आर जीरो हो गया. तो ये ओ एम की वैल्यू हुई ये तो ओ एम की वैल्यू लेकिन हमें पी एम की वैल्यू निकालनी है. ये गलत हो रहा है. ये ओ एम की वैल्यू इतनी हो गई. देयरफॉर PM इज इक्वल टू कितना हो गया दिस इज इक्वल टू ओ एम और माइनस ओ पी ये इतना हुआ. तो ओ एम की वैल्यू निकाली हुई है R प्लस डेल्टा R कॉस डेल्टा थीटा और माइनस ओ पी की वैल्यू R हो गई ये हो गया वैल्यू. तो देखे यहां पर क्या हो गया लिमिटिंग वैल्यू. देयरफॉर लिमिट क्यू टेंस टू पी पी एम इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहां लिमिट डेल्टा आर टेंस टू जीरो और डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो. दिस इज
आर प्लस डेल्टा आर कॉस थीटा, कॉस डेल्टा थीटा माइनस आर, इतना हो गया। तो अब लिमिटिंग केस में आप कॉस डेल्टा थीटा का लिमिटिंग वैल्यू 1 हो गया और डेल्टा आर का लिमिटिंग वैल्यू डी आर हो गया। तो यह लिखा जाएगा आर प्लस ये डी आर लिमिटिंग वैल्यू हो गया और इनटू 1 हो गया और माइनस आर हो गया, तो इसका वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू हो गया डी आर, यानी पीएम की लिमिटिंग वैल्यू डी आर हो गई। तो अब यहां पर आप निकाल सकते हैं कि टेन फाई का वैल्यू कितना हुआ और साइन फाई का वैल्यू कितना हुआ और कॉस फाई का वैल्यू कितना हुआ। तो देखिए यहां पर ये चीज निकाल दिया गया, देयरफोर लिमिट क्यू टेंस टू पी एम एम क्यू, ये एम क्यू का वैल्यू आपने निकाला था ये आर डी थीटा, आर डी थीटा और लिमिट क्यू टेंस टू पी ओ क्यू पी एम, ये पी एम इसकी वैल्यू निकाल दी गई डी आर। तो अब आप लिमिटिंग केस में देखेंगे, आप वहां से देखेंगे टेन अल्फा की वैल्यू कितनी हुई है, तो यहां आप निकाल सकते हैं देयरफोर यहां पर टेन फाई का वैल्यू निकल गया, ये टेन फाई की वैल्यू हो गई लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, ये ऐसे आप लिख सकते हैं लिमिट क्यू टेंस टू पी टेन अल्फा लिख सकते हैं, ये टेन अल्फा टेन फाई का यही वैल्यू हुआ लिमिट क्यू टेंस टू पी टेन अल्फा, क्योंकि लिमिटिंग केस में अल्फा जो है फाई की ओर टेंड करता है और टेन अल्फा का वैल्यू आप लिखेंगे यहां पर लिमिट Q tends to P tan alpha का वैल्यू हो गया MQ divided by PM, ये हो गया। तो लिमिटिंग केस में आपने ये निकाला ही है, तो ये हो गया MQ R d theta और ये डी आर हो गया, तो वैल्यू हो गया इसको लिखते हैं आर डी थीटा बाई डी आर, आर डी थीटा डी आर ऐसे लिखते हैं आर डी थीटा बाई डी आर, यही टेन फाई का वैल्यू होता है। अब आप साइन फाई का वैल्यू देखें कैसे निकालते हैं, देखिए यहां पर साइन फाई का वैल्यू ऐसे निकलेगा, अगेन
साइन फाइ, अगेन साइन फाइ, तो साइन फाइ का वैल्यू कितना लिखेंगे, लिमिट क्यू टेंस टू पी, लिमिट क्यू टेंस टू पी साइन अल्फा और साइन अल्फा का वैल्यू ट्रायंगल पी एम क्यू से लिखे, लिमिट लिमिट क्यू टेंस टू पी, और देखिए साइन अल्फा का मान लिखिए, साइन अल्फा का वैल्यू हो गया एम क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू, एम क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू, पी क्यू यानी कॉर्ड पी क्यू। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट क्यू टेंस टू पी एम क्यू, एम क्यू डिवाइडेड बाय, इसको आर्क पी क्यू से डिवाइड कर दीजिए, आर्क पी क्यू से डिवाइड कर दीजिए, और इनटू आर्क पी क्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर्क पी क्यू, और ये डिवाइडेड बाय, ये नीचे का पी क्यू रह गया कॉर्ड पी क्यू, कॉर्ड पी क्यू। और आपको बहुत पहले बताया था कि लिमिट क्यू टेंस टू पी आर्क पी क्यू बटा कॉर्ड पी क्यू, इसका लिमिट एक होता है, तो आप यहां लिखेंगे तो लिमिट क्यू टेंस टू पी, ये आर्क पी क्यू का वैल्यू डेल्टा एस हुआ, और एम क्यू का वैल्यू, एम क्यू का लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट हटा दीजिए, लिमिटिंग वैल्यू लिखिए, देखिए इसका लिमिटिंग वैल्यू हुआ आर डी थीटा, आर डी थीटा, और ये हो गया आर्क पी क्यू का डी एस हो गया डी एस, और यह लिमिट हो गया वन, तो दिस इंप्लाई ये साइन फाइव का वैल्यू हो गया, साइन फाइव इज इक्वल टू आर डी थीटा बाय डी एस, आर डी थीटा बाय डी एस, ये लिमिटिंग वैल्यू हो गई, तो साइन फाइव का मान निकल आया। उसी प्रकार से आप कॉस फाइव का मान निकाल सकते, देखिए cos phi का मान कितना हुआ, अगेन अगेन cos phi इज इक्वल टू, cos phi इज इक्वल टू, ये लिखेंगे लिमिट क्यू टेंस टू पी पीएम, पीएम डिवाइडेड बाय ओपी, और आप चाहें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये लिमिट क्यू टेंस टू पी एमपी डिवाइडेड बाय, यहां पर आर्क, आर्क पी क्यू लिखे और आर्क पी क्यू से यहां मल्टीप्लाई करें, आर्क पी क्यू और डिवाइडेड बाय यहां पर कॉर्ड पी क्यू हो गया, इस पी क्यू ओपी, एक मिनट ये गलत लिख दिया है, पी क्यू होगा सॉरी, ये पी एम, पी एम डिवाइडेड बाय पी क्यू ये होना चाहिए,
तो यहाँ पर कॉर्ड पी क्यू लिखा जाएगा, कॉर्ड पी क्यू। और अब इसका लिमिटिंग वैल्यू, इसका लिमिट हो गया वन, और ये आर्क पी क्यू का डी एस हो गया लिमिटिंग वैल्यू। ऐसे लिखते हैं, आप डिटेल में लिखेंगे तो इतना लिखा जाएगा, लिमिट क्यू टेंस टू पी। देखिए एमपी का मान कितना लिखा गया था, एमपी ये लिखा गया था आर प्लस डेल्टा आर आर इंटू साइन डेल्टा थीटा, इतना लिखा गया था। और ये डिवाइडेड बाय, यदि आर पी की वैसे लिखे तो ये डेल्टा एस होगा, और ये आर्क पी क्यू, आर्क पी क्यू डिवाइडेड बाय कॉर्ड पी क्यू, कॉर्ड पी क्यू। तो इसी का लिमिट आर डी थीटा आता है, तो लिमिटिंग वैल्यू इतना हो गया, ऊपर का लिमिट हो गया आर डी थीटा और नीचे हो गया डी एस। एक मिनट रॉन्ग हो रहा है, ये क्या लिखा है, पी एम पी लिखा गया है, सॉरी पीएम, ये पीएम का लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पर ये चीज नहीं था, लिमिटिंग वैल्यू ये था, ये पीएम लिखना चाहते हैं तो ये ओ क्यू कॉस डेल्टा थीटा ये होगा, ये ओ क्यू कॉस डेल्टा थीटा, ओ क्यू कॉस डेल्टा थीटा ये चीज था, ये चीज। तो अब इसका, इसी का लिमिटिंग वैल्यू हमने निकाल दिया था, ऐसे लिख दिया था, लिमिट क्यू टेंस टू पी, ओ क्यू का वैल्यू आर प्लस डेल्टा और ये कॉस डेल्टा थीटा, कॉस डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा एस आर इंटू आर्क पी क्यू, आर्क पी क्यू डिवाइडेड बाय ये कॉर्ड पी क्यू। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखिए, इसकी लिमिटिंग वैल्यू वन हो गई, ऊपर का डी आर हो गया, नीचे का डी एस हो गया, तो लिमिटिंग वैल्यू हो गया डी आर और नीचे का हो गया डी एस और ये लिमिट हो गया वन, तो वैल्यू हो गया डी आर डी एस, ये वैल्यू हो गए डी आर डी एस, डी आर बाई डी एस। तो ये चीज निकल गया, मैं इरेज कर रहा हूं, तो फाइनली ये रिजल्ट निकला। देखिए साइन फाइव, ये साइन फाइव का मान निकला आर डी थीटा डी एस, आर डी थीटा डी एस। कॉस फाइव का मान निकला, कॉस फाइव का मान निकला डी आर डी एस, ये डी आर डी एस। और टैन फाइव का मान निकला,
आर डी थीटा डी एस, आर डी थीटा डी आर, ये तीन रिजल्ट्स जो हैं याद रखे जाते हैं। उसके बाद अब चाहे तो हम डी एस यानी आर्क पी क्यू का मान निकालना चाहेंगे। देखिए देखिए यहां पर आर्क पी क्यू, आर्क आर्क पी क्यू, आर्क पी क्यू का मान क्या लिखेंगे, तो यहां लिखिए आर्क पी क्यू, आर्क पी क्यू डिवाइडेड बाय कॉर्ड पी क्यू, कॉर्ड पी क्यू, कॉर्ड पी क्यू और इनटू मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉर्ड पी क्यू, कॉर्ड कॉर्ड पी क्यू, तो आर्क पी क्यू का मान यहां पर डेल्टा एस लिखा जाएगा और ये आर्क पी क्यू, ये आर्क पी क्यू डिवाइडेड बाय ये कॉर्ड पी क्यू, कॉर्ड पी क्यू और ये हो गया आपका कॉर्ड पी क्यू का वैल्यू। देखिए कॉर्ड पी क्यू का वैल्यू हो गया पी एम स्क्वायर और प्लस एम पी एम पी स्क्वायर, अब दोनों तरफ लिमिट ले लीजिए, दिस इंप्लाइज लिमिट क्यू टेंस टू पी डेल्टा एस इज इक्वल टू लिमिट क्यू टेंस टू पी आर्क पी क्यू, आर्क पी क्यू डिवाइडेड बाय कॉर्ड पी क्यू, डिवाइडेड बाय कॉर्ड पी क्यू, इसका लिमिट आर इनटू ये इसका लिमिट हो गया लिमिट क्यू टेंस टू पी ये एम पी स्क्वायर और प्लस दोनों जगह एम पी लिखा गया, यहां गलत हुआ पी एम एम पी स्क्वायर एम क्यू स्क्वायर होना चाहिए, ये एम क्यू स्क्वायर, एम क्यू स्क्वायर, आज दोनों का मान निकाला हुआ है तो इसका लिमिट हो गया वन। तो दिस इंप्लाइज यहां पर फॉर्मूला बन गया डी एस बराबर, यहां एक नट ये हम स्क्वायर लेकर के चलेंगे, आर पी क्यू का यहां होल स्क्वायर लेकर के चलेंगे, या इसको लेकर के नहीं चलते हैं आप तो यहां पर ये राशि जो लिखी गई कॉर्ड पी क्यू तो इसका आप अंडर रूट में लिखेंगे, ये अंडर रूट में राशि आएगी, ये राशि अंडर रूट में आएगी, ये अंडर रूट में आएगी ऐसे, तो ये बराबर हो जाए लिमिट वन हो गया और यह लिमिट हो गया अंडर रूट एम पी का वैल्यू आर आर डी थीटा हुआ और एम पी का वैल्यू, एम पी का वैल्यू ये हुआ, एम पी का वैल्यू हुआ डी आर स्क्वायर और ये हो गया आर स्क्वायर आर डी थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया।
ए रिलेशन हो गया डी एस बराबर। तो इस रिजल्ट्स को इस प्रकार से लिखते हैं, देखिए यहां लिखते हैं, इसी रिजल्ट्स को ऐसे याद रखा जाता है, डी एस स्क्वायर बराबर डी आर स्क्वायर, डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां से एस का मान आप निकाल सकते हैं, देखिए यहां से ऐसे निकाल सकते हैं, डी एस अब बाई डी एस बराबर हो गया इतना अंडर रूट डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा का स्क्वायर, एंड दिस इंप्लाइज यदि आप डी एस डी आर निकालना चाहें, डी एस डी आर तो इसको आप डिवाइड कर देंगे ऐसे डी आर आर स्क्वायर डी थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ऐसे डी आर, तो वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट वन प्लस आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर, ये हो गया वन, और ये आर स्क्वायर और ये डी थीटा बाई डी आर, इसका हो गया होल स्क्वायर। और यदि डी एस का मान निकालना चाहते हैं तो देखिए इतना हो गया, दिस इंप्लाइज डी एस इज इक्वल टू आर्क लेंथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी फार्मूले से आर्क लेंथ निकल पाएगा पोलर कर्व का। तो ये वैल्यू हो गया इतना वन प्लस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, इसका होल स्क्वायर और इनटू डी आर। आप इसको इंटीग्रेट करके लेंथ ऑफ कर्व निकाल सकते हैं। अब ये वीडियो आपको यहीं पर समाप्त होता है, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करेंगे, और इसी तरह से कैलकुलस के भी सारे वीडियो कंटिन्यूएशन में चलेंगे। धन्यवाद।